तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा होगा, हमने मुरादाबाद से बस यात्रा करी थी मथुरा तक के लिए और जन्मभूमि के करे थे हमने दर्शन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ वृंदावन और बरसाना के बहुत ही प्यारे दर्शन, एंड साथ ही साथ आपको देने वाला हूँ हर चीज की फुल डिटेल। तो आप वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी पार्ट स्किप करना मत। दोस्तों, अगर आप मथुरा से वृंदावन जाना चाहते हैं तो आपको भूतेश्वर चौराहे से जन्मभूमि से यानी कि बस मिल जाएगी या फिर ऑटो भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, बात की जाए बस के किराए की, तो बस का किराया है 30 से 40 रुपए मायावती चौराहे तक, और ऑटो का किराया है 30 रुपए मायावती चौराहे तक। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप बस से आए या फिर ऑटो से भी आए तब भी मायावती चौराहे से 20 रुपए आगे के लगेंगे, जो कि वृंदावन पहुंचने के होंगे। मायावती चौराहे से वृंदावन की दूरी है लगभग 2.5 किलोमीटर। हाँ, बाइक सर्विस ना चाहिए उस्ताद। और दोस्तों, हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से यहाँ पर रूम की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ पर हम रूम सस्ता ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सस्ता रूम लेना चाहते हैं लगभग 300 रुपए में आपको फोगल आश्रम में रूम मिल जाएगा, तो यहाँ पर आइएगा जरूर। और यहाँ पर एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल मत भूलना। और फोगल आश्रम जो है बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, काफी सारे इनके पास कमरे अवेलेबल होते हैं, पर कभी कभार अवेलेबल नहीं भी होते हैं। जैसे कि आज हम आए तो आज यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है कमरों की। दोस्तों, आज फोगल आश्रम में रूम खाली नहीं थे, क्योंकि आज सैटरडे है और संडे सैटरडे बहुत ज्यादा रश रहता है वृंदावन में, काफी सारे होटल्स फुल रहते हैं। इसलिए हम प्रेमधाम आश्रम में आ गए। VIP पार्किंग पर पड़ता है होटल ही, और इनके रूम्स भी काफी ज्यादा बढ़िया है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं। AC रूम यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है 800 रुपए में, और नॉन AC रूम भी 600-700 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, देख रहे हैं आप सामने है मदन मोहन मंदिर। बहुत सारे लोग इसे मिस कर देते हैं, वृंदावन आकर सीधे बांके बिहारी के दर्शन करने चले जाते हैं और इसे मिस कर देते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। और दोस्तों, हमारा प्लान बना है सीधे यहाँ से निधिवन जाने का, पर उससे पहले कुछ खाना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह के 5 बजे के हम निकले हुए हैं, जन्मभूमि के दर्शन करे, वृंदावन आए, उसके बाद अभी तक खाना नहीं खाया। तो आप पहले खाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यात्रा में अपनी। और दोस्तों, मुझे प्लेट मिल गई है 100 रुपए में खाने की, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। दोस्तों, जैसे कि हमने होटल लिया था VIP पार्किंग के पास, मैंने आपको बताया था, तो वहीं पर खाने के कई सारे होटल वाले हुए हैं जहाँ पर आपको 100 रुपए में थाली मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खाने के साथ। अब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं निधिवन मंदिर के पास। देखिए, यहाँ से निधिवन मंदिर का रास्ता सामने से ही जा रहा है। देखिए कितनी भीड़ है इस टाइम, क्योंकि आज सैटरडे है, वृंदावन में बहुत ज्यादा रश है आज। और दोस्तों, मंदिर के अंदर ही बना हुआ है जूते चप्पल उतारने का, सिर्फ 2 रुपए लगते हैं यहाँ पे एक जोड़ी जूतों के लिए, तो आप यहीं पर उतारेगा। बहुत से लोग बाहर छोड़ जाते हैं, फिर खो जाते हैं उनके। देखिए दोस्तों, यह निधिवन के वृक्ष माना जाता है कि ये सब गोपी और ग्वाले हैं, और रात में कृष्ण जी और राधा रानी के साथ रात में नित्य करते हैं ये सब। निधिवन के पेड़ों में एक खास बात और है दोस्तों, ये सारे पेड़ जोड़े में है, कोई भी पेड़ अकेला नहीं है इसमें, सारे पेड़ जोड़े में है। देखिए दोस्तों, बंदर कैसे खेल रहे हैं ये बोतल के साथ, तो अंदर खींच रहे हैं कभी बाहर खींच रहे हैं बोतल को। दोस्तों, इस बार बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए निधिवन में पंखे लगा दिए, पहले नहीं थे पंखे निधिवन में। और दोस्तों, माना जाता है कि वही स्थान है जहाँ पर राधा रानी ने कृष्ण जी की बांसुरी चुरा ली थी और वो यहाँ पर आकर छिप गई थी। दोस्तों, निधिवन मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, अब मैं आ गया हूँ यमुना घाट पर, यहाँ पर अब करते हैं बोटिंग। और दोस्तों, बोट वाले भैया ने पैसे बताए हैं 50 रुपए एक छोटे चक्कर के और 80 रुपए बड़े चक्कर के। आइए दोस्तों, यमुना जी में बोटिंग को एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, बोटिंग हमने कर ली, काफी ज्यादा मजा आया बोटिंग करने में। वहां से लेकर यहाँ तक लेके आए, वहां से लेके यहाँ तक सिर्फ 50 रुपए में लेके आए वहां से यहाँ तक ये। और दोस्तों, अगर आप बोटिंग करने आ रहे हैं तो आपको ये ऊँट भी मिल जाएगा, आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। और दोस्तों, अब टाइम हो चुका है, बांके बिहारी जी के मंदिर खुल चुका है, तो आइए चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने। और जिस गेट से हमें जाना था वो गेट कर रखा है पुलिस वालों ने बंद, तो अब हमें आगे से आना पड़ा। तो यहाँ से आने का एक फायदा हो गया, यहाँ से राधा वल्लभ जी भी रास्ते में पड़ेंगे, तो उनके दर्शन भी करते चलेंगे। तो
तो दोस्तों राधा वल्लभ जी के दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं बिहार जी के मंदिर की तरफ, देखते हैं वहाँ पर कितनी भीड़ है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने सोचा था, देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। और यहीं पर बनी हुई है प्रसाद की दुकान, पेड़ों का प्रसाद चलता है मंदिर के अंदर, तो आप यहाँ से प्रसाद ले लेना अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो। और दोस्तों लाइन चल पड़ी है, चलिए चलते हैं बाकी बिहार जी के दर्शन करने। अभी मैंने प्रसाद नहीं लिया है, तो पहले प्रसाद लेता हूँ मैं, उसके बाद चलते हैं बाकी बिहार जी के दर्शन करने। और दोस्तों देखिए, मैंने प्रसाद ले लिया, 250 ग्राम पेड़े ले लिए 75 रुपए के। अब चलते हैं जल्दी से मंदिर में दर्शन करते हैं, सामने ये मंदिर। और दोस्तों बिहार जी के मंदिर के दर्शन हमारे बहुत बड़े हो गए, चलते हैं यहाँ से इस्कॉन मंदिर की तरफ। दोस्तों 20 मिनट में लगभग हम बिहारी जी के मंदिर से यहाँ तक पैदल आ गए हैं, काफी ज्यादा रात हो गई, पर देखते हैं मंदिर में क्या क्या है इस समय। तो दोस्तों इस्कॉन मंदिर का हम दर्शन करने आए थे प्रेम मंदिर के, पर दर्शन अभी जो है बंद हो चुके हैं, प्रेम मंदिर बंद हो गया, तो इसलिए हम सुबह में करेंगे। दोस्तों हमारे रात में दर्शन तो हो नहीं पाए थे प्रेम मंदिर के, इसलिए हम सुबह में दर्शन करना है। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, पहले प्रेम मंदिर में आप बैग लेके जा सकते थे, लेकिन अब प्रेम मंदिर में आप बैग लेके नहीं जा सकते हो। तो प्रेम मंदिर के सामने बैग रखने के काफी सारे काउंटर खुल चुके हैं, तो वहां पर आप बैग रख सकते हैं अपना 10-10 रुपए में। और दोस्तों रात को अगर आप प्रेम मंदिर को देखने आ रहे हैं, तो आपको मिलेगा एक फाउंटेन डांस देखने के लिए, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना आप। और दोस्तों प्रेम मंदिर के दर्शन हमारे हो चुके हैं, प्रेम मंदिर के सामने से ही हमने बरसाना जाने के लिए ऑटो कर लिया, जो कि 100 रुपए पर हेड में हमें मिल गया। और दोस्तों वृंदावन का वही गेट है जिसको आपने कई सारी वायरल रील्स में देखा होगा। और दोस्तों वृंदावन से बरसाने की दूरी है लगभग 50 किलोमीटर, तो उसके लिए आपको लगभग 1 घंटा लग सकता है वहां पहुंचने में। और दोस्तों इसलिए वृंदावन से टाइम से निकलिएगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे के आसपास लग जाता है बरसाना पहुंचने में। दोस्तों हम बरसाना पहुंच चुके हैं, लगभग 1 घंटा लगा हमें बरसाना पहुंचने में, और जल्दी से राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर को बंद होने में सिर्फ 10 मिनट है। देखिए दोस्तों यहां से पूरा बरसाना नजर आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यहां से व्यू ये। दोस्तों मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद अब यहां से आप ले सकते हो, और जल्दी से दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अब मंदिर के द्वार बंद होने वाले हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। और दोस्तों हम सही टाइम पर पहुंच गए मंदिर में, द्वार बंद होने में सिर्फ 1-2 मिनट बचे हुए हैं, अब दर्शन हमने कर लिए। देखिए पर्दा भी डल चुका है, तो आइए अब मंदिर का व्यू लेते हैं कुछ बढ़िया सा। दोस्तों इस टाइम मंदिर के द्वार बंद हो चुके हैं, इसलिए सब लोगों को बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि अब मंदिर जो है शाम में खुलेगा। और दोस्तों बढ़िया दर्शन हुए राधा रानी के हमारे, बिल्कुल एकदम मंदिर के कुछ समय पहले ही पहुंचा था, और ये प्रसाद भी चढ़ा दिया मैंने मंदिर के अंदर, तो आप भी कमेंट में लिखना बिल्कुल भूलना राधे राधे। और दोस्तों अगर आप ब्रज भूमि पर आए और यहाँ की लस्सी नहीं पी, तो ब्रज का आनंद कैसा आएगा पूरा आपको। और दोस्तों देखिए ये वही रंगीली गली है जो कि होली के टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस थी, यहीं पर लटमार होली खेली गई थी बरसाना में। और दोस्तों वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।